हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ विद अजीम। मैं अजीम आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। सिंपल इक्वेशन को स्टार्ट कर लिया था। इक्वेशन किसे कहते हैं वो भी हम जान चुके हैं। आज जो है इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, हाउ टू सॉल्व अ इक्वेशन आज वो सीखने वाले हैं। टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेंगे वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। सो शुरू कर दें। जो हम सीखने वाले हैं वो क्या सीखने वाले हैं वो है हाउ टू सॉल्व अ इक्वेशन। ठीक है ना, चलिए आज ये हम करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व अ इक्वेशन। उससे पहले क्या है, उससे पहले आप मुझे एक बात बताइए पहले कि देखिए ये 5 + 3 = 9 -1 लिखा हुआ है। 5 + 3 = 9 - 1 लिखा हुआ है। क्या इक्वेशन है? क्या ये एक इक्वेशन है? हाँ, ये बिल्कुल एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों है? आप कह रहे हो सर इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं तो इक्वेशन कैसे हुआ? नहीं, इक्वालिटी का साइन जहां पर आया, जहां पर इक्वालिटी का साइन आया वो स्टेटमेंट एक इक्वेशन हो जाएगी, वो स्टेटमेंट एक इक्वेशन हो जाएगी। इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड और आपका ये राइट हैंड साइड, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। सो ये एक इक्वेशन है, ठीक है ना। चलिए पहले मैं इसे नीचे वाले को बता देता हूं, मिटा देता हूं। ये एक इक्वेशन है। अब देखिए क्या ये इक्वालिटी होल्ड कर रही है? इक्वालिटी होल्ड करने का मतलब क्या इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है? मतलब अगर राइट हैंड साइड के बराबर आपका लेफ्ट हैंड साइड है तो वो उस इक्वालिटी को होल्ड कर रही है, यानी वो दोनों इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी आपका इक्वल है और राइट हैंड साइड भी आपका इक्वल है। सो पहले देख लेते हैं क्या ये इक्वालिटी होल्ड कर रही है। सो 5 + 3 = 8 = 9 - 1 = 8। सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका RHS है। सो मतलब ये इक्वेशन इक्वालिटी होल्ड कर रही है। इक्वालिटी होल्ड करने का मतलब कि आपका लेफ्ट हैंड साइड जो बराबर है राइट हैंड साइड के है। चलिए तो अब मैं क्या करता हूं इस इक्वेशन में +5 मैंने इधर कर दिया और +5 ही मैंने इधर कर दिया, ठीक है ना। +5 मैंने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे कर दिया और +5 मैंने राइट हैंड साइड पे कर दिया। तो क्या ये +5 करने पर, यानी कि 5 ऐड करने पर लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे क्या इस इक्वेशन पे फर्क पड़ा? क्या इसकी इक्वालिटी पे फर्क पड़ा? मतलब क्या ये दोनों अभी भी इक्वल है? देखते हैं। 5 + 5 + 3 = 13, 5 + 5 + 3 = 13 और 9 - 1 = 8, 8 + 5 = 13, also 13। सो क्या हुआ कि मैंने जब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 5 5 प्लस करे हैं तो उसकी इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी वो 13 = 13 है, अभी भी लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है। यानी के +5 + 5 करने पर जो इक्वेशन की इक्वालिटी है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो अभी भी दोनों क्या है, इक्वल है। एक चीज और कर लेते हैं क्या कर लेते हैं, मैं क्या करता हूं इसमें -1 इधर कर दिया और -1 ही इधर कर दिया, -1 लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया और -1 राइट हैंड साइड पे कर दिया। तो 5 + 5 + 3 = 13 - 1 = 12, ठीक है। 9 - 1 = 8 + 5 = 13 - 1 = 12, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया आपका राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका बराबर राइट हैंड साइड के। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम इक्वेशन में उसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेम नंबर प्लस करते हैं, सेम नंबर माइनस करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, या सेम नंबर से हम डिवाइड करते हैं दोनों साइड, तो उस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी इक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो दोनों अभी भी, पहले भी इक्वल थी और अभी भी इक्वल है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि अगर किसी भी इक्वेशन में आप लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेम नंबर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसकी इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि आप सेम नंबर से या तो एडिशन करें, सेम नंबर से सब्ट्रैक्शन करें, सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन करें, या सेम नंबर से आप उसमें डिवीजन करें तो उसकी इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज और समझेंगे, देखो एक एग्जाम्पल से और बताऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं इसे रफ कर दे रहा हूं अभी, ठीक है। चलिए देखिए, ये मान लीजिए एक वेइंग मशीन है,
ठीक है ना, ये एक वेइंग मशीन है। ये मान लीजिए आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड, इसे मान लीजिए आप, इसे आप इक्वालिटी का साइड मान लीजिए, है ना। तो अभी दोनों में मान लो 5-5 केजी जो है आपका शुगर है, चीनी है, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में 5 किलो चीनी है और राइट हैंड साइड में 5 किलो चीनी है। तो अभी क्या है, वो दोनों बैलेंस है, मतलब ऐसे करके वो बैलेंस है, मतलब ना तो वो एक तरफ झुक रहा है ना एक तरफ झुक रहा है, अभी बिल्कुल बैलेंस है, क्योंकि इधर भी 5 किलो है और इधर भी 5 किलो है। मान लीजिए मैंने इसमें +1 केजी जो है शुगर डाल दिया और इसमें भी +1 केजी शुगर डाल दिया, ठीक है ना, दोनों में +1 केजी कर दिया, तो क्या अभी भी ये इक्वल रहेंगे, क्या ये अभी भी स्ट्रेट रहेगा, जो हमारा वेइंग मशीन है वो अभी भी स्ट्रेट रहेगी? हाँ बिल्कुल अभी भी स्ट्रेट रहेगी, क्यों, क्योंकि अभी लेफ्ट हैंड साइड में आपका 6 किलो चीनी है और राइट हैंड साइड में आपका 6 किलो चीनी है, तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, अब मैं क्या करता हूं कि इसमें मैं जो 3 केजी जो शुगर है वो यूज कर लेता हूं, यानी कि माइनस कर दिया मैंने इसमें 3 किलो और इसमें मैंने माइनस कर दिया 2 किलो, है ना, इसमें मैंने माइनस कर दिया 3 किलो, इसमें मैंने माइनस कर दिया 2 किलो, तो फाइनल जो शुगर बचा है आपके लेफ्ट हैंड साइड में वो कितना बचा है, 6-3 इज 3 केजी, और आपका जो राइट हैंड साइड वाला जो साइड है उसमें कितना शुगर बचा है फाइनली, आप 5+1 इज 6-2 इज 4 केजी, ठीक है, बात समझ में आ रही है यहां तक, कि मैंने उसमें इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 3 किलो चीनी यूज कर लिया और राइट हैंड साइड वाले में से 2 किलो चीनी यूज कर लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में अभी मेरे पे 3 किलो चीनी बची है और राइट हैंड साइड वाले में मुझे अभी बची है 4 किलो चीनी, तो सिचुएशन कुछ ऐसे बन गई है, ये आपका जो है राइट हैंड साइड वाला है, ये आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला, मैं अपने उससे बता रहा हूं बताऊंगा, तो ये आपका राइट जो है लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में कितना चीनी है अभी 4 किलो और लेफ्ट हैंड साइड में कितना चीनी है वो है 3 किलो, तो जिधर भारी है ये उधर की तरफ झुक जाएगा, जो मेरा वेइंग मशीन है उधर की तरफ झुक जाएगा, मतलब इसकी इक्वालिटी जो है डिस्टर्ब हो गई है, इक्वालिटी अब ये होल्ड नहीं कर रहा है, अभी इसकी इक्वालिटी जो है डिस्टर्ब हो गई है, क्यों हो गई है, क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 3 किलो चीनी यूज करी और राइट हैंड साइड में मैंने 2 किलो चीनी यूज करी, अगर मैं दोनों तरफ सेम चीनी यूज करता, मतलब सेम जो क्वांटिटी में शुगर यूज करता, तो इसकी इक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होती, बट अभी मैंने अलग अलग जो है क्वांटिटी में शुगर को यूज कर लिया है तो इसकी इक्वालिटी जो है डिस्टर्ब हो गई है, इसलिए ये राइट हैंड साइड की तरफ जो है थोड़ा सा इंक्लाइन हो गया, थोड़ा सा झुक गया है राइट हैंड साइड की तरफ। सो ये मैं ये बताना चाह रहा हूं इस सारी चीजों के थ्रू आपको, कि अगर कोई एक इक्वेशन है, अगर कोई एक इक्वेशन है लाइक 5x+5 इज 53, मान लीजिए कोई एक इक्वेशन है और इसी इक्वेशन में मैं 5x+5-3 तो मैंने आपका लेफ्ट हैंड साइड पे कर दिया और 53-3 ही आपका राइट हैंड साइड पे कर दिया, तो क्या इस इक्वेशन की इक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा, क्योंकि सेम नंबर मैंने सब्ट्रैक्ट करा है आपका लेफ्ट हैंड साइड पे और सेम नंबर आपका सब्ट्रैक्ट हुआ है राइट हैंड साइड पे, सो इस इक्वेशन की इक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं इस एग्जांपल के थ्रू, ठीक है ना, अगर किसी भी एक इक्वेशन में आप सेम नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो उसकी इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू सॉल्व अ इक्वेशन, अब चलते हैं इक्वेशन की तरफ, ठीक है, तो मैं इसे रफ कर दूं, ओके चलिए देखिए पहले आज ये सीख लेते हैं कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो अगला जो सेशन होने वाला है उसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जो क्वेश्चन देखिए मैं जो एक्सरसाइज के होंगे ना वो मैं नहीं कराऊंगा, मैं जो क्वेश्चन है अपने बना के लाऊंगा और वही आपको क्वेश्चन कराऊंगा, एक्सरसाइज आप खुद करने वाले हैं, ठीक है ना, एक्सरसाइज जो है आप एनसीईआरटी बुक की क्लास 7 की आप खुद करने वाले हैं, क्वेश्चन के टाइप जो है वो मैं अपने आप से बना के लाऊंगा और हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। सो हाउ टू सॉल्व अब एक क्वेश्चन, चलिए कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, मैं ले लेता हूं, इजी से स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए 7x
सेवन एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 32 या ले लेते हैं 40। 7x माइनस फाइव इज इक्वल टू 40, ठीक है। चलिए देखिए इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो उसमें से फर्स्ट मेथड ये है। फर्स्ट मेथड आपको जो मेथड अच्छा लगेगा आप उसे अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी मैं तो आपको सारे ही करवाऊंगा, ठीक है। सो पहला मेथड ये है इक्वेशन को सॉल्व करने का, और भी मेथड मैं बताऊंगा जो आपको सही लगेगा, जो आपको इजी लगेगा उसी के साथ आप आगे मूव करेंगे। तो 7x माइनस फाइव इज इक्वल टू 40। सो मैं क्या करता हूं, 7x माइनस फाइव मैं इधर प्लस फाइव कर देता हूं और इधर भी मैं प्लस फाइव कर देता हूं। क्या इस पर कोई फर्क पड़ा, अभी इस इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ा क्या? मैंने प्लस फाइव तो लेफ्ट हैंड साइड पे करा है, प्लस ही फाइव मैंने आपका राइट हैंड साइड पे करा है। आप 30 कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 30 मैं इसे कर देता हूं और इसे भी मैं यहाँ पे 30 कर देता हूं, ठीक है। सो प्लस फाइव मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे करा है और प्लस फाइव ही मैंने राइट हैंड साइड पे करा है। तो क्या फर्क कुछ पड़ा है इस इक्वेशन पे, इस इक्वेशन की इक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ा है? कोई नहीं पड़ा, क्योंकि सेम नंबर ही मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे जो एड किया और सेम ही नंबर मैंने राइट हैंड साइड पे एड किया है। अब पूछेंगे आप कि सर आपने प्लस फाइव ही एड क्यों किया, भाई आप प्लस सेवन क्यों नहीं करा, आपने प्लस टेन क्यों नहीं करा, प्लस टू क्यों नहीं करा? वो हमने अपनी मतलब हमारा जो इक्वेशन है वो इजी हो जाए इसलिए मैंने सेम नंबर वो एड किया है जो नंबर आपका 7x में से माइनस हो रहा है। अब होगा क्या, आप देखिए आगे कि अपोजिट साइड और सेम नंबर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस माइनस और फाइव माइनस फाइव इज जीरो, और वैसे भी अपोजिट साइन और सेम नंबर जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो फाइव माइनस फाइव इज जीरो, सो 7x यहां इधर बस 7x बचा, 7x बचा इधर, और इधर कौन बचा, इधर कौन बचा, 30 प्लस फाइव इज 35। सो 7x इज इक्वल टू 35 आ गया हमारा। अब x की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, यहां से x की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी 35 डिवाइड बाय 7। ये बात आई थिंक सबको पता होगी कि यहां से x की वैल्यू 35 ओवर 7 क्यों आई, क्योंकि जिस टाइम पे हम x की वैल्यू निकालने होते हैं तो आपका जो भी नंबर मल्टीप्लीकेशन में होता है, जो भी नंबर मल्टीप्लीकेशन में होता है वो आपका इक्वल के साइन के दूसरी तरफ जाने पर वो उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी कि ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये डिवाइड हो गया, इक्वल के अपोजिट साइड आने पर तो इसका साइन भी अपोजिट हो गया कि ये जो मल्टीप्लीकेशन था 7 वो अब डिवीजन का 7 हो गया है। ऐसे ही क्या होता है कि जो मल्टी जो प्लस का 5 होता है वो इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो उसका साइन जो है चेंज हो जाता है। तो इसीलिए जो 7x इज इक्वल टू 35 है, जो 7 जो आपका मल्टीप्लीकेशन में था एक्स के साथ वो अब इक्वल के अपोजिट साइड जाने पर डिविजन में हो गया। सो एक्स इज इक्वल टू 35 ओवर 7, और 7 से आप इसे जो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 5 35। सो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 5, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 5। बात समझ में आई, क्या क्वेश्चन था, 7x माइनस फाइव इज इक्वल टू 30। सो 7x माइनस फाइव में से मैंने प्लस फाइव कर दिया और राइट हैंड साइड भी प्लस फाइव कर दिया। प्लस फाइव क्यों करा दोनों साइड, ठीक है ना, क्यों करा, क्योंकि हमारा बस जो है जो ये 5 जो है आपस में एलिमिनेट हो जाए, आपस में कैंसिल आउट हो जाए। सो 7x इज इक्वल टू 35 और x इक्वल टू 35 ओवर 7, x की वैल्यू आ गई 5। अब x की वैल्यू हमारी 5 आई है, अब ये हम जानेंगे कि ये x की वैल्यू 5 जो आई है वो सही भी आई है नहीं, कैसे जान लेंगे, ये जो x की वैल्यू है ना आप सीधा जो हमें इक्वेशन मिली थी वहां पे x के प्लेस पे पुट कर दीजिए, यानी कि x की वैल्यू x के प्लेस पे पुट कर दीजिए, कर दीजिए। चलो यहां पे मैं करके दिखा देता हूं आपको, क्या है 7 × 5, 7 क्योंकि इंटू में है ना x इसके, सो 7 × 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 30। ये क्वेश्चन बन गया हमारा, तो 7 5 = 35, 7 5 = 35 माइनस 5 इज इक्वल टू 30, 35 माइनस 5 इज 30 इज इक्वल टू 30। सो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा हो गया राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। सो
इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी एक्स की वैल्यू जो 5 आई है ना वो बिल्कुल सही आई है। इन केस अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं होता, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं होता, तो उस केस में आपकी एक्स की वैल्यू जो भी आती वो गलत आती, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने इक्वेशन में रखी और हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं हुआ, इसलिए एक्स की वैल्यू गलत होती उस टाइम पे। बट अभी क्या है कि x की वैल्यू मैंने इक्वेशन में रखी और इक्वेशन में रखने पर मेरा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, यानी कि x की वैल्यू हमारी बिल्कुल ठीक है, x की वैल्यू जो 5 आई है वो बिल्कुल सही आई है। ओके, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। जल्दी से नोट डाउन कर ले, जल्दी से दोनों चीजें जल्दी से नोट डाउन कर ले, जो सॉल्यूशन हुआ ये भी और ये जो x की वैल्यू रख के दिखाया आपको लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये भी आप नोट डाउन कर ले। एक और क्वेश्चन करेंगे फिर, चलिए आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट एक इक्वेशन और करते हैं, सिक्स वाई तो क्या हो गया, काम नहीं कर रहा है, सिक्स वाई 6y+15 इज इक्वल्स टू, ठीक है 6y+15 इज इक्वल्स टू 45, ये इक्वेशन हमें दी हुई है, इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सो सॉल्व, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब कि वैल्यू जो है आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, यही बोलता है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सो 6y+15 = 45, सेम चीज करेंगे जो लास्ट इक्वेशन में करी थी कि 6y+15 सेम नंबर में माइनस कर दूंगा और सेम नंबर ही आपका राइट हैंड साइड पे माइनस हो जाएगा, सेम नंबर आपका लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस होगा और सेम नंबर ही आपका राइट हैंड साइड पे माइनस होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों नंबर जो है एलिमिनेट हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, क्या हो जाएगा अब आगे 6y+-15 = 0, सो लिख भी सकते हैं 6y = 0 और 45 माइनस 15 इज 30, सो 6y = 30 हो गया, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, सो 6y = 30 एंड y = 30/6 और 6 से कैंसिल आउट कर दो 30 को, 6 5 = 30, सो y की वैल्यू कितनी आ गई y = 5, ये आपका आंसर, तो y का आंसर आ गया 5, यानी कि इक्वेशन का जो आंसर आ गया आपका 5, y की वैल्यू आ गई 5। अब देख लेते हैं कि ये y की वैल्यू के लिए क्या LHS बराबर RHS आ रहा है या नहीं, देख लेते हैं एक बार। सो 6 6 × 5+15 = 45, ठीक है ना, सो 6 5 = 30 6 5 = 30+15 = 45, सो 30+15 = 45, सो LHS इज इक्वल टू आर एच एस। सो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दैट सेशन सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में क्या है कि आप नहीं बताएंगे तो मैं आपके डाउट क्लियर नहीं कर पाऊंगा, आप अगर मुझे अपने डाउट बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें जो अगला वीडियो आए उसमें आपके डाउट जो है जो क्लियर कर पाऊं। सो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताया करें कि सर मुझे ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, इस वाले को मुझे एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दे, ठीक है। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम रेगुलरली मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखें अपना, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।